बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है? वही जो आप किया करते थे। कौन सी? कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। आपने इनकी वीडियोस तो जरूर देखी होंगी। इनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होती हैं और लोग इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट करते हैं। इनकी वीडियो सबसे यूनिक और अलग होती हैं। इनके रियल कॉमेडी कंटेंट को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नेहा और एसटी की लाइफ स्टोरी और साथ ही बताएंगे इनकी प्यारी सी लव स्टोरी और शादी लाइफ तक की पूरी कहानी। नेहा और एसटी की लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक और अलग है, तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इनकी लव स्टोरी और शादी लाइफ तक की पूरी कहानी जानने से पहले जान लेते हैं कुछ इन दोनों के बारे में। रेस्टी का फुल नेम रेस्टी कंबोज है। 21 जनवरी 1992 को हरियाणा के सिरसा में एक बहुत ही ज्यादा क्यूट और टैलेंटेड बच्चे का जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर रेस्टी कंबोज के नाम से फेमस है। रेस्टी के एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टार्टिंग की पढ़ाई इन्होंने सिरसा से ही कंप्लीट की है और अपनी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से कंप्लीट की। रेस्टी पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे और इन्हें बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था। इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनके मम्मी पापा के अलावा एक भाई और एक बहन है। इनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है। रेस्टी की जैसे ही ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुई तो उन्होंने एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। रेस्टी ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी मूवी और टिकटॉक से की थी। ये टिकटॉक पर कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, पर इनकी वीडियोस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता था। और इसके बाद रेस्टी की लाइफ में हुई नेहा की एंट्री, जहां से इनकी प्यारी सी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। रेस्टी का पहला वीडियो नेहा के साथ ही वायरल हुआ था। नेहा और रेस्टी की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट किया और कम ही समय में रेस्टी के टिकटॉक पर मिलियंस में फैन फॉलोइंग हो चुकी थी। रेस्टी और नेहा की प्यारी सी लव स्टोरी जानने से पहले जान लेते हैं कुछ नेहा के बारे में। हो सकता है मैं कल तक जिंदा ना रहूं दोस्तों, क्योंकि 21 लोगों को भेजने वाला मैसेज मैंने बिना भेजे ही डिलीट कर दिया। नेहा का फुल नेम नेहा बग्गा है और प्यार से लोग इन्हें नेहा कहकर बुलाते हैं। 19 मार्च 1992 को हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची का जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर नेहा बग्गा के नाम से फेमस है। नेहा की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टार्टिंग की पढ़ाई इन्होंने आर्मी स्कूल से कंप्लीट की है और अपनी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। नेहा की फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है। इनके पापा आर्मी ऑफिसर और इनकी माँ हाउसवाइफ हैं। इनका एक भाई है। तो अब बात कर लेते हैं नेहा के स्टार्टिंग से करियर के बारे में। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग और डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक था और इन्होंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि एक एक्ट्रेस ही बनेंगी। स्टडी कंप्लीट होने के बाद नेहा मुंबई चली आई और ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया। नेहा ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है और ये ऑडिशन देती रही। इसके बाद इन्हें सीरियल मिला जिसका नाम था इश्क दा कलमा और इनका पहला ही सीरियल सुपरहिट गया। लोगों ने इनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके बाद नेहा ने कई सीरियल्स में काम किया और कई सारे एड्स किए और एक पंजाबी मूवी भी की है। और अब नेहा और एसटी की वीडियोस काफी तेजी से वायरल होती हैं। लोग इनके रियल कॉमेडी कंटेंट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपको नेहा और एसटी की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं नेहा और एसटी की प्यारी सी लव स्टोरी के बारे में। नेहा और रेस्टी की मुलाकात पंजाबी मूवी के दौरान हुई थी, जहां रेस्टी उस मूवी के डायरेक्टर थे और नेहा उस मूवी में एक्टिंग कर रही थी। और उस टाइम रेस्टी टिकटॉक पर वीडियोस बनाते थे। रेस्टी ने नेहा से कहा क्या वो एक उनके साथ वीडियो बनाएंगी, तो नेहा ने हाँ कर दी और रेस्टी और नेहा ने एक साथ वीडियो बनाई। वही वीडियो उनकी रातों रात तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके बाद नेहा और एसटी ने एक साथ कई सारी वीडियोस बनाई और इनकी सारी ही वीडियोस वायरल होने लगी। कम ही समय में इनके सोशल मीडिया पर मिलियंस में फैन फॉलोइंग हो गई और लोग इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट करने लगे।
और इसके बाद नेहा और एसटी दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन्हें खुद पता नहीं चला। और जब एसटी ने नेहा को प्रपोज किया तो नेहा ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि नेहा भी एसटी से प्यार करने लगी थी। और इसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। कई लोगों को ये लगता है कि नेहा और एसटी की शादी हो चुकी है, पर ऐसा नहीं है। नेहा और एसटी ज्यादातर वीडियो हस्बैंड और वाइफ के कॉन्सेप्ट पर ही बनाते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पर ऐसा नहीं है। दोनों रिलेशनशिप में हैं और करते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार। आपको नेहा और एसटी की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं नेहा और एसटी की फेवरेट थिंग्स और हॉबीज के बारे में। एसटी को क्रिकेट खेलना, ट्रैवलिंग करना और नई नई जगह घूमना बहुत पसंद है। नेहा को डांस करना, ट्रैवलिंग करना और एसटी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। नेहा का फेवरेट कलर व्हाइट और येलो है। इनके फेवरेट सिंगर दिलजीत दोसांझ हैं। बात कर लेते हैं इनके फिजिकल मेजरमेंट के बारे में। तो इनकी हाइट 5 फीट 4 इंच है, बॉडी वेट 50 अप्रोक्स है, आई और हेयर कलर डार्क ब्राउन है। एसटी के फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो इनकी हाइट 5 फीट 10 इंच है, बॉडी वेट 74 अप्रोक्स है, आई और हेयर कलर ब्लैक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। नेहा और एसटी की जोड़ी आपको कैसी लगती है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सजेशन जरूर देना, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। थैंक यू गाइस। नहीं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। क्या हुआ? हस्बैंड है वो मेरे, आप समझते क्यों नहीं हो? मुझसे ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या हुआ, कौन है? मम्मी है, कह रही है अपने पति की इज्जत किया कर। मैंने भी कह दिया।